नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर के। आपको बता दें, नुपुर शर्मा की विवादित धार्मिक टिप्पणी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, पिछले दो शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद यूपी समेत देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरह की हिंसा की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद कहीं ना कहीं अब आने वाले शुक्रवार को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो गया। जी हाँ, सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं और साथ जो मुस्लिम समुदाय हैं उनको भी ये खास तौर पर चेतावनी दी जा चुकी है कि किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इसी बीच एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जी हाँ, आपको बता दें कि बीते गुरुवार को यानी कि आज के दिन शास्त्री घाट पर, वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी के शास्त्री घाट पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए प्रदर्शन किया। इस बीच उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा और शांतिपूर्ण माहौल और सौहार्द बनाने रहने की कामना की। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने अपर मजिस्ट्रेट को बजरंग दल ने 7 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा। इस मांग पत्र के आधार पर कार्यकर्ताओं का कहना है कि योजना पूर्वक हिंदुओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। श्री राम नवमी पर देश भर में शोभा यात्रा के ऊपर पथराव और हमले किए गए और इसके बाद अब नुपुर शर्मा और साथ ही नवीन जिंदल के बयान को लेकर बीते दो शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिदों से निकलकर उग्र भीड़ हिंदुओं के घर और मंदिरों को ही नहीं सुरक्षा बलों पर भी जानलेवा हमला करती हुई नजर आई। शासन इस पर कड़ाई से कार्रवाई करे, इस बात की मांग भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की ओर से की गई। वहीं अब अगर बात करें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यक्रम में, कृपा शंकर तिवारी ने कहा कि पूरे देश में काशी महानगर के तर्ज पर हमने धरना प्रदर्शन किया है। राष्ट्रपति को हम लोग डीएम की ओर से ये ज्ञापन सौंप रहे हैं ताकि देश में जिहादियों द्वारा बढ़ रही हिंसक घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। आपको बता दें, बंगाल, राजस्थान और केरल जैसे राज्यों की सरकारों तो मानो इस्लामी जिहादियों के साथ खड़ी नजर आ रही है। इस तरीके का बड़ा इल्जाम जो है वो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की ओर से लगाया गया। इसके साथ उन्होंने कहा कि कट्टरपंथियों द्वारा सोशल मीडिया पर लगातार जो हेट फैलाने की कोशिश की जा रही है, अब बात बात पर लोकतंत्र के खतरे में होने की जो दुहाई देने वाले राजनीतिक दल इन हमलों पर आखिरकार चुप क्यों हैं। इसके साथ बजरंग दल ने जो कार्यकर्ताओं हैं उन्होंने जिस तरह से अपने 7 सूत्रीय मांग पत्र में कहीं ना कहीं विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा, जो पहले तो पैगंबर मोहम्मद को लेकर जो पूरा बवाल मचा था इस पर बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब जो इस तरह की हिंसा हुई है उस पर जब कार्रवाई की जा रही है तो अब ये विपक्षी दल आखिरकार क्यों खामोश है। काफ़ी बड़ा सवाल उठ जाता है कि जिस तरह से बीते दो जुम्मे के बीच हमने जो तस्वीरें देखी, जो देश के अलग अलग राज्यों से जो हिंसा की तस्वीरें आई, वो वाकई शर्मनाक है। लगातार कार्रवाई हो रही है और एक बार फिर से कल शुक्रवार है और कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बना हुआ है कि आखिरकार कल क्या होने वाला है। लगातार हम आपको इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं और ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। नमस्कार।